नमस्कार। मौन रहना बहुत अच्छी बात है स्वास्थ्य के लिए, मन के लिए, ध्यान के लिए, लेकिन हम लोग मौन रहते कहाँ हैं। लेकिन कोरोना की वजह से आजकल एयरपोर्ट पर या ज़्यादातर जगहों पर मौन रहने की आदत सी बन गई है। अभी मैं देख रहा हूँ, मैं इतनी यात्राएं करता हूँ, लेकिन हमारे कुछ परिचित दोस्त हैं, उनसे हमेशा गपशप करते हैं, बातचीत करते हैं। आज भी ऐसा ही हुआ है, हमारे कुछ तीन चार दोस्त हैं, वो सब अपने अपने उस पर मास्क लगाए हुए हैं, नो टॉकिंग, नो डिस्कशन, बातचीत कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा, सिर्फ मौन है। अच्छी बात है। आज जो मैं बताना चाह रहा हूँ, इतना आनंद वाला जो समय रहता था हमारे लिए, खुशी का, लेकिन सब कुछ लोग आजकल चिंतित हैं और हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा आजकल सचेत हैं, सावधानी बरत रहे हैं। जैसे ये मास्क मेरी बिटिया ने मुझे दिया है, सैनिटाइजर की दो दो बाटलें रखी हैं, तो अच्छा है कि हमारे बच्चे भी इतने अलर्ट हैं और हमको भी अलर्ट कर रहे हैं। देखो, हम तो कई बार लापरवाही बरतते आए हैं और मैं देख रहा हूँ एयरपोर्ट पर चारों ओर मास्क लगाए हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये भी समय ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, निश्चित रूप से कोरोना जो विदेश से आया है वो जल्दी भाग भी जाएगा, क्योंकि ये सब वायरस टाइप तो उधर ही आते हैं। अब मेरे से लोग पूछते हैं एयरपोर्ट पर ही क्यों इतना मास्क और ये सब, बाहर तो लोग इतना नहीं करते हैं। तो ये लोग कहते हैं कि भाई विदेश से जो लोग आते हैं वो अपने साथ वायरस ले आते हैं, इस कारण एयरपोर्ट पर ज़्यादा सावधानी बरतना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन हमारी जो खुशी है वो तो कुछ समय के लिए हमसे दूर हो गई, क्योंकि हम लोग अपना बातचीत कर पा रहे हैं एयरपोर्ट पर, वो अपनी मस्ती में बैठे हैं, हम अपनी मस्ती में चुपचाप मौन बैठे हैं। तो आप भी अपना ध्यान रखिए और अपने को बचाइए और दूसरों को भी बचाइए।